यहाँ पे आपको बेसिक शो हो रहा है, तो अभी मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ। रिफ्रेश पे क्लिक, यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मैक्स हो चुका है। ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको मैक्स कर लिया है। VidIQ में आपको सिर्फ एक प्लान जो है फ्री में मिलता है, बाकी जो तीन प्लान है आपको पे करने पड़ते हैं। एंड वाला जो प्लान है इसमें सब कुछ मिलता है। ये वाला जो प्लान है मैं आपको फ्री में लेके दिखाऊंगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। रुको जरा, सबर करो, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई भी पार्ट मिस किया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं ये कोडिंग के जरिए से मैं इसको प्रो वर्जन में करने लगा हूं। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस बनी है लेकिन वो पुराना वर्जन दिखाते हैं, ये न्यू वर्जन है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू टैब ओपन करने के बाद आपने VidIQ यहाँ पे एक्सटेंशन आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे जो है आपको ये वाला जो पेज है इसको आपने ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इसको इंस्टॉल करने के बाद ये क्रोम में मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एड पे आपने क्लिक करना है। ये लेटेस्ट जो है न्यू जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, यहाँ पे एड पे आपने क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे एड होनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउनलोड भी होनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ये VidIQ का जो न्यू टैब एक ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपने साइन अप पे आपने क्लिक करना है। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप साइन अप लाजमी करें। तो मैं कोई भी एक आईडी ले लेता हूँ, अपने चैनल का ले लेता हूँ फर्ज करें, तो यहाँ पे मैंने ले लिया। ये बेसिकली जो यूट्यूबर ज्यादा यूज करते हैं जिसको SEO वगैरह की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देखें कि सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे अभी ये ऑटोमेटिक जो है आपको सब्सक्राइब करने का बोलेगा लेकिन आपने इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक्सटेंशन यहाँ पे आपको शो होगी। यहाँ पे आपने थ्री डॉट्स पे जाना है। इस पे जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि मोर टूल्स में जाना है और एक्सटेंशन में जाना है। एक्सटेंशन में जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे शो हो रही है इसको आपने ऑन कर देना है। यहाँ पे ऑन करने के बाद यहाँ पे आपने ये इसको भी ऑन रखना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यूट्यूब पे जाके ये किस तरह का शो हो रहा है और बाद में किस तरह ये शो होगा। तो यहाँ पे मैं अभी कोई कीवर्ड लिखता हूँ, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। यहाँ पे लिखने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे लिखा आ रहा है VidIQ बेसिक। यहाँ पे जो बेसिक लिखा आ रहा है इसको मैं करूंगा मैक्स। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अपने PC के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे आपने दिस PC में जाना है। दिस PC में जाने के बाद इसको मैं बड़ी कर लेता हूँ। ये वाला जो स्टेप है आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको दोबारा भी वीडियो देखनी पड़े तो आपने दोबारा देख लेनी है, लेकिन ये वाला जो स्टेप आपने स्किप नहीं करना है। यहाँ पे लोकल डिस्क C में जाना है, यहाँ पे यूजर में जाना है, यहाँ पे आपके PC का नाम जो भी होगा आपने रखा होगा उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको व्यू पे जाना है। यहाँ पे ऊपर आपको शो हो रहा है इसमें आपने जाना है। यहाँ पे जो हाइड फाइल है इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि एप्स डेटा में जाना है, यहाँ पे लोकल में जाना है। लोकल में जाने के बाद आपने गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद यहाँ पे क्रोम में जाना है, यहाँ पे यूजर डाटा में जाना है, यहाँ पे आपने डिफॉल्ट में जाना है। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं, यहाँ पे ये देखें कि प्रोफाइल जो है चार शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जिसने ज्यादा बनाई है ना IDs वगैरह, यहाँ पे जिस तरह मैंने बनाई है, यहाँ पे देखें कि ये पहली प्रोफाइल है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी, ये पांचवी। ठीक है, ये मैंने पांच बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं अभी जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें कि ये डिफॉल्ट जो है ये पहला है। ठीक है, ये वाला पहला, और जो ये दूसरे वाला प्रोफाइल 6 या अगर 2 शो हो, 3 शो हो, तो ये प्रोफाइल आगे जितने भी है ये आपके ये वाले हैं। ठीक है, ये 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 और ये 4। ठीक है, ये पहले वाला है। ठीक है, फर्ज करें कि मैं ये वाली प्रोफाइल में मैं करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि अभी प्रोफाइल 2 में जाऊंगा। ठीक है, अगर आपके प्रोफाइल एक ही लगी हुई है, कोई भी यहाँ पे शो नहीं हो रही, सिर्फ एक शो हो रही है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे डिफॉल्ट्स में जाना है। ठीक है, ये डिफॉल्ट आ रहा है, इसमें जाना है। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ प्रोफाइल 2 में, ये वाली प्रोफाइल में मैं लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि उसमें जाने के बाद एक्सटेंशन में जाना है। एक्सटेंशन में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने एक फाइल ढूंढनी है। तो मैं क्रोम में जाता हूँ। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं,
इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मोर टूल्स में जाना है, एक्सटेंशंस में जाना है। इसमें जाने के बाद ये आपको ऑफ जो नजर आ रहा है इसको आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपने पहले चार जो वर्ड्स है ये याद रखने हैं, PACH। यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर में जाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि PACH ये वाली फाइल है, इसको आपने ओपन करना है। को फिर से आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक फाइल नजर आएगी, bundle.bundle। इस फाइल पे आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस जो है आपने इंस्टॉल कर लेना है। आपने किधर से डाउनलोड करना है, आपने मेरी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपने आके सर्च करना है। यहाँ पे ऐड आ चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं। सर्च पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने आके लिखना है vidIQ बेसिक। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने वो वाली पोस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि एंड पे चला जाना है। एंड पे जाने के बाद यहाँ पे देखें कि सॉफ्टवेयर जो है आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ से आप बहुत ईजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको डाउनलोड करना ना आए तो आपने क्या करना है कि ये वाली वीडियो देख लेनी, इसमें मैंने A to Z बताया आपने किस तरह डाउनलोड करना है। मैं अभी अपने PC में जाता हूं तो यहां पे देख सकते हैं कि मैंने पहले से यहां पे डाउनलोड किया था। तो यहां पे मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। यहां पे ओके पे क्लिक करना है, यहां पे आपने नेक्स्ट पे करना है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। यहां पे आपने क्या करना है कि यहां पे इसको टिक का निशान लगा देना है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपके आइकन बन जाएगा। यहाँ पे आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखेंगे इसको आपने फिनिश कर देना है। इसको फिनिश करने के बाद यहाँ पे आपको एक फाइल नजर आ रही होगी, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। इसको आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने डेस्कटॉप पे जाना है। यहाँ पे जो आइकन बना है इसको आपने डबल क्लिक करके तो इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने ये न्यू जो ऑप्शन है आपके सामने ये शो हो रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू बन जाएगा, ठीक है। पिछले वाले को आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अभी इसको मैं बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद आपने अपने कंप्यूटर में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो फाइल थी अभी ये इसको राइट क्लिक करके तो हम यहाँ पे एडिट करेंगे। यहाँ पे एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस, यहाँ पे आपने एडिट करना है। अगर आपके सामने ये एक ही लाइन में सब कुछ आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है कि कंट्रोल ए करना है, ठीक है। कंट्रोल ए करने के बाद इसको कंट्रोल सी कर देना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे यहाँ पे मैंने ये लिंक भी दिया हुआ है, यहाँ पे वेबसाइट कोड चेंज, यहाँ पे आपने क्लिक एयर पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली जब वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे जो हमने ये वाला कॉपी किया था इसको लाकर आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे जब आप पेस्ट करेंगे तो याद रखना है ये आपका PC जो स्लो हो जाएगा, तो आपने थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अभी यहाँ पे पेस्ट होने में कुछ टाइम लेता है, तो इसलिए आपने थोड़ा सा वेट करना है। ये ना हो कि आप बार बार पेस्ट करते रहें। तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि यहाँ पे ये जो कोड था सिंपल तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे इसने सिंपल तरीके से जो बताया है इसको आपने क्या करना है कि यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कंट्रोल ए करना है, यहाँ पे कंट्रोल सी करना है, ठीक है। ये कॉपी हो चुका है। कॉपी होने के बाद आपने क्या करना है कि वहां पे जो फोल्डर खोला था इसमें आपने क्या करना है कि इसको बैक कर देना है, ठीक है। इसको सारे को आपने खत्म कर देना है। खत्म करने के बाद आपने जो वहां से कोड कॉपी किया था ना वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ टाइम लेता होता है, ठीक है। यहाँ पे देखे कि ये सिंपल तरीके से अभी यहाँ पे हमारे सामने खुल चुका है। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ से ऊपर चला जाना है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एक दफा टाइप करना है। यहाँ पे आपने कंट्रोल F जो है आपने कीबोर्ड से लिखना है। लिखने के बाद आपके सामने इस तरह का जो है एक पोपंडर आ जाएगा। इसमें आपने क्या लिखना है कि यहाँ पे LET T, ये लिखने के बाद आपने फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपने इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है लेट टी इज इक्वल टू ई, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, इसको हमने एडिट करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ। तो ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको ये जो शो हो रहे होंगे पैकेजेस वगैरह, ये वाला जो स्टेप है आपने ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे देखें कि बेसिक जो है जीरो है, और ये जो प्रो है ये 1 है, और बूस्ट लाइट जो है ये 2
टू है और बूस्ट जो है ये थ्री है और बूस्ट प्लस जो है ये फोर है और यहाँ पे मैक्स जो है ये फाइव है। हमने ये वाला प्लान लेना है मैक्स वाला, तो यहाँ पे मैं अभी जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें कि मैक्स जो है ये एंड वाला प्लान है, तो ये हमने फाइव टाइप करना है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद यहाँ पे हमने वहीं जाना है जहाँ पे हमने जीरो यहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे देखें कि अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे फाइव लिख देना है। यहाँ पे फाइव लिखने के बाद ये वाला जो है अभी हमारा ये मैक्स वाला जो है ये वाला लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी दिखा देता हूँ, यहाँ पे बूस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जो हमने फाइव लिखा था यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको आपने क्या कर देना है कि क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपने उसी फोल्डर में चला जाना है जिसमें हमने ओपन किया था। तो ये वाला जो फोल्डर हमने ओपन किया था तो यहाँ पे आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद ये वाला जो फोल्डर है इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है कि डेस्कटॉप पे आके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये देखें कि ये पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे आपने एक दफा रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे आपने क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद ये थ्री डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद मोर टूल्स में जाना है, एक्सटेंशन में जाना है। यहाँ पे आपने जाना है लोड अनपैक्ड, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसमें आपने डेस्कटॉप में जाना है। डेस्कटॉप में जाने के बाद ये वाला जो फोल्डर था हमने डेस्कटॉप पे जो पेस्ट किया था इसको आपने सेलेक्ट करके तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखेंगे एक्सटेंशन जो है हमारी लग चुकी है। लगाने के बाद अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे आपको बेसिक शो हो रहा है। तो अभी मैं रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ। रिफ्रेश पे क्लिक करते ही तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी ये लिखा आएगा यहाँ पे मैक्स। यहाँ पे मैं अभी दिखा भी देता हूँ, ये रिफ्रेश अभी हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मैक्स हो चुका है। तो ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको मैक्स कर लिया है। अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़ की आपको समझ ना लगे तो आपने मेरे डिस्कॉर्ड में चला जाना है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे चैनल पे आने के बाद यहाँ पे डिस्कॉर्ड शो हो रहा है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपने मेरे से चैट कर लेनी है, भाई मुझे ये मसला आ रहा है, तो मैं आपको जवाब दे दूंगा, तो आपका मसला जो मैं हल कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।